हेलो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो सभी, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा गोकुल बैराज का पुल। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है गोकुल बैराज पुल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा गोकुल बैराज का पुल जो कि कितना बड़ा है और जो कि कितना बड़ा बना हुआ है, और दोस्तों पानी यहाँ पर जो कि कितनी रफ्तार से जाता है। तो दोस्तों वो जो कि सब कुछ मैं आपको जो कि आज की वीडियो में इसमें दिखाऊंगा। दोस्तों इस पुल का नाम जो कि गोकुल बैराज पुल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को जो कि वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की घंटी जो प्रेस कर दें कि जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको गोकुल डैम जो कि बहुत ही बड़ा है, और दोस्तों देखते हैं किस प्रकार का बना हुआ है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये है यमुना मैया, और आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर बांध बोलते हैं यानी कि डैम। तो दोस्तों यहाँ से निकल रहा है पानी और आप देख सकते हैं पूरा गोकुल बैराज का डैम का व्यू। तो ये है दोस्तों यमुना मैया और आप देख सकते हो डैम का चारों तरफ का व्यू। और दोस्तों अभी चलते हैं हम डैम के पास में और आपको दिखाएंगे बांध जो कि किस प्रकार का लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम डैम के पास में और आप देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है घंटा, और जो कि हम अभी उसको बजा के देखते हैं अगर पहुंच जाएंगे तो। दोस्तों ये आप देख सकते हो ये बजा दिया हमने घंटा, और आप देख सकते हो डैम के चारों तरफ का व्यू। और मैं चलता हूँ अभी यमुना मैया के निकट बिल्कुल नीचे और आपको दिखाऊंगा डैम के जो कि महारों का व्यू। दोस्तों ये आप देख सकते हो ये है पूरा डैम गोकुल बैराज। तो दोस्तों यही है गोकुल बैराज का पूरा पुल। और दोस्तों चलते हैं अभी और इसके नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा टोटल गोकुल बैराज पुल। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं पानी का रफ्तार जो कि किस प्रकार से जा रहा है, और बहुत ही जो कि तेज रफ्तार से आ रहा है इस साइड से पानी, और मैं भी इस टाइम जो कि खड़ा हूँ सीढ़ियों के नीचे, और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ का व्यू। तो दोस्तों यही है मथुरा का सबसे बड़ा गोकुल बैराज पुल। तो दोस्तों इसे बोलते हैं गोकुल बैराज के पुल के नाम से, और दोस्तों आप देख सकते हैं पानी जो कि किस रफ्तार से जा रहा है। और मैं भी चलता हूँ नीचे को और दिखाता हूँ आपको पानी का रफ्तार जो कि किस प्रकार का है। तो दोस्तों आप जो कि देख सकते हो पानी का बहाव जो कि कुछ बेहतरीन तरीके से जो है कि चल रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वो जो कि सामने वहां पर गोकुल, और ये यहाँ पर लगा हुआ है बांध। तो दोस्तों इसी वजह से जो कि इसे बोलते हैं गोकुल बैराज पुल यानी कि गोकुल बैराज डैम। और आप देख सकते हो इतना भयंकर डैम है ये, यहाँ पे जो कि आप पानी का रफ्तार देख सकते हो दोस्तों, पानी का रफ्तार जो कि किस प्रकार से जा रहा है, और देख सकते हो आप चारों तरफ जो कि झाग झाग बन रहे हैं क्योंकि वहाँ से जो कि स्पीड से पानी आ रहा है एकदम बेहतरीन स्पीड से। तो दोस्तों ये है डैम। तो दोस्तों अब आप जो है कि देख सकते हो ये है बांध के बिल्कुल नजदीक का व्यू, और दोस्तों देख सकते हो पानी जो है कि किस बहाव से जा रहा है स्पीड से, अगर इसमें कोई डूब गया तो सीधे वहां जाके मिलेगा आपको जो कि वहां पर। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कितना तेजी से पानी भर रहा है यहाँ पर, और झाग झाग जो कि ज्यादा हो रहे है, और ये आप देख सकते हैं पूरा गोकुल बैराज का पुल।